सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज सुबह 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। सभी राज्यों के भाई बहनों के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी है। आपकी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं सावित्री ठाकुर जी, जिनसे आंगनबाड़ी बहनों का प्रतिनिधिमंडल मिला है, और आइए देखते हैं कि आपकी केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी के साथ में आखिर आंगनबाड़ी बहनों की क्या वार्ता रही, किन किन समस्याओं को लेकर के राज्य मंत्री को आंगनबाड़ी बहनों ने यहां पर अवगत कराया है। दरअसल ध्यान देना, ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं सावित्री ठाकुर जी, जिनसे आंगनबाड़ी बहनें मिली हैं। अब इस वीडियो में और भी कई जानकारियां देखने को मिलेंगी, तो प्लीज सभी भाई बहन आपसे विनती है कि वीडियो को बीच में छोड़ करके ना जाएं, वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्रभा जी हैं जो है मध्य प्रदेश के धार जनपद से आती हैं, जिन्होंने अपने वहां से एक ये खबर प्रसारण के लिए भेजी है। अच्छी बात यह है कि ये उनके राज्य की केवल मंत्री नहीं है, ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, इसलिए यहां पर सभी बहनों को इन समस्याओं पर, इन वार्ताओं पर ध्यान देने की जरूरत है। साथी बहन ने लिखा भी है कि बुलंद की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन की आंगनबाड़ी बहनें हैं, यानी प्रतिनिधि मंडल है, जो कि आपकी केंद्रीय राज्य मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। आप देखिएगा, ये सब तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, जिनमें कई बहनें यहां पर दिखाई दे रही हैं, और बाकी आपकी जो सावित्री ठाकुर जी हैं राज्य मंत्री, वो भी आप इनको यहां पर देख पा रहे हैं। आंगनबाड़ी सभी बहनें अपनी अपनी समस्याओं को एक एक करके जो है वहां पर उनके सामने रख रही हैं, और मंत्री जी उनकी बातों को अच्छे तरीके से सुन रही हैं। अभी इसके अलावा भी देखिए, बैठ करके भी वार्ताएं हुई हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बहनों की जो समस्याएं हैं उन पर जो है सही तरीके से वहां पर उनको सुना गया है। हो सकता है इन सभी छोटे छोटे जो भी बड़े बड़े प्रयास हो रहे हैं, इन प्रयासों का असर रहे, आने वाले वक्त में आप सब बहनों को कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। देखिए, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, और इस तरह की संभावनाएं जो बनती हैं वो भविष्य में ही आपके लिए सुनहरे पल जो है कहीं ना कहीं लेकर के आ सकती हैं। तो प्रयासों को अपने कभी इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए। जिस दिन आप प्रयासों को बंद कर देंगे, उस दिन तो कुछ अच्छा होने की संभावना तक खत्म हो जाएगी। तो प्लीज़ ऐसे ही बहनों जारी रखिए, हर एक स्टेट की बहनें अपने अपने वहाँ अगर ऐसे ही प्रयास करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने देखा, यूपी में भी कई जो है यहाँ पर नेताओं ने आज को संसद भवनों में उठाया, और कई जगह से ऐसी जानकारियां आती रही, और ऐसे में यूनियन भी केंद्र से भी मुलाकात कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। अब देखिए, मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन ने श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, महिला बाल विकास विभाग केंद्रीय राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उनको एक ये लेटर सौंपा है। इस लेटर में लिखा है, महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत जो आंगनबाड़ी बहने हैं, मिनी आंगनबाड़ी बहने हैं, सहायिका बहने हैं, और समस्त सेवानिवृत्त जो बहने हैं, उनके मुद्दों को गंभीरता से लेने के बारे में वहां पर कहा गया है। यानी आंगनबाड़ी सहायिका मिनी, इनकी तो समस्या है ही, जो हमारी बहनें बेचारी रिटायर हो चुकी हैं, सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, उनके मुद्दों को लेकर के भी बातें कही गई, यानी समस्त सेवानिवृत्त बहनों के मुद्दों को भी यहां पर रखा गया है। अब देखिए क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या इसमें बहनों ने उनको बताया है, क्या क्या उनकी मांगे रही। आदरणीय दीदी, केंद्र सरकार में आपकी गरिमामय स्थिति को देखकर हम सभी मध्य प्रदेश की बहनें बहुत खुश हैं। आपसे कई सारी उम्मीद लगा बैठे हैं दीदी। हमारे जीवन में कई सारी ऐसी विभागीय समस्याएं हैं जो हमें आगे बढ़ने में बाधा बन रही हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी बड़ी दीदी, हम बहनों की स्थिति को सम्मानित करें। कई प्रकार की विसंगतियां हैं जो महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी बहनें, मिनी सहायिका, इनके जीवन को दूभर कर रही हैं। आइए देखते हैं समस्याएं पहले क्या हैं। तो बहन ने यहां पर लिखा कि नियमितीकरण, सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया कि आंगनबाड़ी का, मिनी का, सहायिका का ग्रेजुटी और नियमितीकरण की वो हकदार हैं, किंतु ना तो केंद्र पूर्ण भारत में या लागू कर रहा है, ना ही राज्य सरकार। हम केंद्र की सेविका हैं, हमें केंद्र द्वारा नियमित किया जाए, जिसकी
काफ़ी जो है यहाँ पर कॉपी भी यानी संलग्नक के साथ उन्होंने भेजी है कि जो है जो भी नियम रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कहीं किसी स्टेट को लेकर के ऑर्डर आया है इस संबंध में वो, और साथ ही नियमतीकरण को लेकर के जो आया है वो। ग्रेजुटी मामले में तो आपको पता है केरल में आया, यूपी में भी आया, इस तरह से लेटर आए हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक स्टेट में, पूरे भारत में यानी कह सकते हैं कि ग्रेजुटी का हकदार आंगनबाड़ी बहनें तो हैं ही, तो हर स्टेट लागू करे, इसके लिए केंद्र सरकार एक सख्ती भरा एक लेटर सभी राज्य सरकारों को भी जारी कर सकती है। वहीं आगे लिखा है न्यूनतम मजदूरी दर 18,000 रुपया प्रति माह, जिसका 60% 10,800 रुपया होता है। इसीलिए आंगनबाड़ी के लिए केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो 10,800 रुपये प्रतिमा किया जाए। बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही शालीनता से अपने इस मुद्दे को उन्होंने यहाँ पर रखा है, और कोई इसमें वैसा नहीं है कि बढ़ा चढ़ा करके उन्होंने मांग कर दी हो। क्योंकि देखिए जो न्यूनतम मजदूरी है, मान लीजिए 18,000 रुपये प्रतिमा कोई अच्छा मजदूर, कुशल मजदूर अगर पा रहा है तो उसका मात्र 60%, क्योंकि 60-40 का रेशियो होता है ना, 18,000 रुपया अगर आंगनबाड़ी को सरकारें टोटल देंगी तो उसमें से 60% केंद्र सरकार वहन करेगी, तो केंद्र सरकार का हिस्सा कितना होना चाहिए, 10,800 होना चाहिए। तो 10,800 बहने मांग रही है, मिल कितना रहा है केंद्र से, 4,500 रुपये मिल रहे हैं। तो 4,500 केंद्र दे रहा है, और देना कितना चाहिए, 10,800 केंद्र सरकार भुगतान करे, और बाकी का जो बचा शेष वो ऊपर का वो राज्य सरकारें उसी हिसाब से 40% का भुगतान कर दें। ये यहाँ पर बहनों की बड़ी ही अच्छी मांग उनके सामने रखी गई है। भारत के कई राज्य जिनमें मिनी कार्यकर्ता को मुख्य कार्यकर्ता बना दिया गया है, जी हाँ बात सही है, हमारे द्वारा कई बार ज्ञापन निवेदन जिसके बाद 16/8/23 में मध्य प्रदेश में प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, मगर उसे सफल आज दिनांक तक नहीं किया गया। एक महिला दो लोगों का कार्य बड़ी मुश्किल से करती हैं, यानी जो मिनी बहनें हैं उनकी समस्या को रखा गया कि बिना सहायिका के वो बेचारी काम करती हैं, इस वजह से वहां पर उनको मेन का दर्जा दिया जाए और उन सेंटरों पर सहायिका की नई नियुक्तियां भी निकाली जाए, क्योंकि नए पदों का फिर सृजन हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चे आंगनबाड़ी में दर्ज हैं, मगर सरकार ने गैर नीतिगत कदम उठाकर 3 से 6 वर्ष के बच्चों का नर्सरी केजी 1 और 2 इनमें प्रवेश देने के लिए स्कूलों को अनुबंधित किया है, जो कि हमारे साथ गलत करने का कदम है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी के ही केजी 1 और 2 इनमें केंद्रों में ही प्रवेश रहने दें और हम कार्यकर्ता को ही शिक्षिका का दर्जा दिया जाए। साथ ही कई सारी बहनें स्नातक हैं, डीएड हैं, बीएड हैं, उनसे भी अधिक शिक्षा प्राप्त की हैं, उन्हें प्रोत्साहित करके सम्मानित किया जाए ताकि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर प्राथमिक शिक्षा को बहुमुखी तरीके से संचालित कर सकें। 1975 से संचालित ICDS योजना में 1994 में कार्यकर्ता को 10 वर्ष के अनुभव योग्यता के अनुसार पर्यवेक्षक बनाया जाए यानी बनाया जाता था, किंतु अब परीक्षा लेकर 50% जो पद हैं उन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भरे जा रहे हैं, जिससे उम्र की सीमा तय कर दी गई, कार्यकर्ता को 100% प्रमोशन दिए जाएं, उम्र का प्रावधान हटाया जाए। ये 5 मोटी मोटी समस्याएं हैं जो कि हमारा जीवन जो है शिथिल कर रही हैं। हमें आपसे और केंद्र सरकार से यही उम्मीद है कि आप हमारी इन विकृत समस्याओं का शीघ्र निदान करेंगे और हमारी जागी हुई आशा को सार्थक करेंगे। इस तरह से मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति ने बड़े ही शालीनता से, बड़े ही धैर्य के साथ में अपने उन मुद्दों को अच्छे अच्छे शब्दों के साथ में उन्होंने अपने केंद्रीय राज्य मंत्री के समक्ष रख दिया है। अब आप सब इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कई बहनें होती हैं जो निराशा से भरी हुई होती हैं, उनके कमेंट कहीं ऐसे मिल जाते हैं कि क्या फायदा, कुछ नहीं होता, इस तरह के। तो बहनों अगर ये भी प्रयास बंद हो जाएंगे तो क्या कुछ हो जाएगा, आप सोचिए। अगर भूख न लगी हो तो खाना तक कोई नहीं देगा आपको, और आप जो है सोचिए यहाँ पर बिना मांगे क्या मिल जाएगा आपको, तो नहीं मिल रहा है, टाइम लग रहा है, वो समस्या अलग है, लेकिन ये आवाज़ें उठना, ये प्रयास करना, ये अपने आप में एक सार्थक कदम है और ये पीछे नहीं हटना चाहिए, इसके प्रयास जारी रहने चाहिए। जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना जल्दी आपकी समस्याओं पर सरकार को विचार करना पड़ेगा। ये समझ लीजिए समस्याएं उठाने वाले केवल आपकी ही समस्याएं नहीं हैं, ऐसे तमाम विभागों में तमाम कर्मचारियों की समस्याएं हैं और हर कोई आए दिन अपना प्रदर्शन करता है, अपनी आवाज उठाता है, उनके मंत्रिमंडल सरकारों से मिलते हैं। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद लगा सकती हैं कि एकदम से थोड़ी हो जाएगा, एक बार मांगा और सब कुछ आपको वो खोल करके झोली पूरा दे देंगे, ऐसा इतनी जल्दी तो संभावनाएं मुझे जो है नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी प्रयासों को तेज करना जरूरी है। इधर ये बातें समझने लायक है, अब कोई ना समझे तो बात अलग है। इधर राजस्थान सरकार की बात करें,
आपने कल देखा था, एक लेटर आया था कि पोषण ट्रैकर ऐप पर गर्भवती महिलाएं इनका वजन और प्रसव पूर्व जांच से संबंधित जो भी विवरण है, हीमोग्लोबिन वगैरह की मात्रा, वेट कितना बढ़ रहा, वो सब चीजें जो भरी जा रही हैं, यानी ANC जो एक ऑप्शन आया है पोषण ट्रैकर पर गर्भवती महिलाओं की ID में 3 डॉट में जब आप जाएंगे तो वहां पर भरने के लिए मिलता है, तो उस पर काम करने को लेकर राजस्थान में देखो एक लेटर आया था हाल ही में, जिसको मैंने कल दिखाया। और कल हमारी एक बहन है उत्तर प्रदेश से आती है, संगीता तोमर बहन आगरा से आती हैं, और देखिएगा आगरा से आती हैं उत्तर प्रदेश के, और जहां पर वो यही ANC वाला जो कार्य है वो अपने यूपी में भी वो कर रही हैं, और आज से नहीं कर रही हैं। देखिए उन्होंने कहा, भैया जी ANC का जो विवरण है मैं तो फरवरी से ही भर रही हूं, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त आ चुका है और बहने बराबर इन चीजों को भरती आ रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर अभी यूपी में इस काम को लेकर लेटर भी नहीं आया, लेकिन बहने ऑप्शन आ चुका है तो उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका पोषण ट्रैकर से रिलेटेड कोई काम छूटे ना, या यूं कहें कि उसकी वजह से उनका 1500 मेहनताना ना रुके, इसलिए वो समय पर समय के पहले हर एक कामों को वो निपटाने की कोशिश करती हैं। तो यहां पर देखिएगा, सुशीला जी हैं रायबरेली से आती हैं, उन्होंने अपने वहां से एक मैसेज भेजा था, दरअसल 500 रुपए इनके वहां पर क्रेडिट हुए हैं, निफ्ट के थ्रू पैसे आए हैं रायबरेली जनपद में, और ये पैसे जो है यहां पर जनपद की ट्रेजरी से हैं, यानी कहीं ना कहीं पैसा BLO का यहां पर देखने को ये मिला है। संध्या बहन है वाराणसी से। अब देखिए मोबाइल फोन को मिलने को लेकर के कुछ यहां पर हमारे पास एक भाई थे, मैं नाम तो उन्होंने लिखा नहीं था, जिनका ये तर्क था, जिन्होंने मुझे लिख करके बताया कि जो है 2015-16 में मोबाइल मिले थे, सपा सरकार ने दिए थे और आपको ये चीजें चैनल पर बतानी चाहिए। मैंने कहा भाई कोई मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 2015-16 में मिले थे, क्योंकि मैंने तो चैनल ही अपना 2018 समथिंग या 17 में स्टार्ट किया था, ठीक 17-18 में ऐसे स्टार्ट किया मैंने ऑल इंडिया चैनल। अब आप सोचिए चैनल स्टार्ट करने के 1.5 साल बाद कहीं मोबाइल की ये चर्चाएं शुरू हुई थी, और मुझे कुछ कुछ याद था कि शायद 18-19 में ही मोबाइल फोन मिले हो। रीजन ये था कि उसी टाइम पर ही वीडियो भी मैंने उसी को लेकर बनाए थे, प्रथम बार मिला था कई जनपदों को तब मिल पाए थे, तब स्टार्टिंग कार्बन के मोबाइल फोनों से हुई थी, तब कार्बन के मिले थे, फिर बाद में भी फोन मिले हैं, बाद में फिर 2021 समथिंग में भी फोन बांटे गए हैं, वो सैमसंग के बांटे गए हैं, तो वो मुझे दोनों चीजें, लेकिन 15-16 में मोबाइल मिले हो सपा सरकार में, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा भी था कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर हो उस संबंध का, उस समय का, तो दे दीजिएगा, दिखाने में मुझे कोई हर्ज नहीं, मैं तो चाहता हूं सच्चाई लोगों तक जाए। लेकिन इस संबंध में मैंने चैनल पर जब पूछा तो हमारी बहुत सी बहनों ने जानकारियां भेज दी, जैसे संध्या बहन वाराणसी से आती है, जिन्होंने कहा कि सैमसंग M02 जो मोबाइल था वो नवंबर 2021 में मिला है। आप सोचिए बीजेपी सरकार में मिला है नवंबर 2021 में, उन्होंने यहां पर ये लिख करके जो है भेजा, इसी फोन में अब आल एप्लीकेशन चालू हो गए, यानी जो ये नया मोबाइल 2021 में मिला था सैमसंग M02 नवंबर 2021 में, उसमें अब सभी तरह की एप्लीकेशन आप चला सकती हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो यूट्यूब हो, हर एक चीजें वहां पर आ चुकी हैं, जिसको लेकर मैंने कई बार आपको बताया भी है पिछले कल के वीडियो में। राधा जी बांदा से आती हैं, उत्तर प्रदेश के बांदा में भी, उन्होंने कहा कि 2021 में भैया ये चीजें वहां पर भी मिली हैं। इधर राजदीप जी हैं महोबा से, उन्होंने भी मैसेज किया, हमारे चरखारी में जिला महोबा इनका पड़ता है, नवंबर 2021 में धनतेरस को जो है मोबाइल मिला। इनको देखो सब याद भी है कि कब मोबाइल मिला, तो नवंबर 2021 में इनको मोबाइल मिला, समझ लीजिएगा। पूजा जी बुलंदशहर से हैं, इन्होंने कहा भाई सरकार से मोबाइल अक्टूबर 2021 में मिला, इनके वहां पर बुलंदशहर में अक्टूबर 2021 में मिला। राजमती जी सीतापुर से हैं, इनके वहां का आप देखिएगा, इन्होंने कहा है कि भैया जी सच्ची खबर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जिन्होंने यह बताया है कि मोबाइल फोन सन 2015 या 16 में मिले थे, तो मेरी ख्याल से यह गलत है, हो सकता है उनके वहां पर मिले हों, लेकिन मेरे वहां जिला सीतापुर में ब्लॉक मछेरटा है, यहां पर तो फरवरी 2019 में वितरण किए गए, वही चीज है, और ये जो 19 में किए गए होंगे ये कार्बन वाले फोन होंगे, ये बहन को पता होगा अपना, वो उनको मालूम होगा, उन्होंने लिखा नहीं लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि 2019 समथिंग में ही संभावनाएं मुझे भी नजर आती थी, क्योंकि चैनल बना मेरा 18 में और उसके बाद फोन कहीं वितरण हुए हैं, उसकी मैंने खबरें दिखाई हैं, लिस्टें दिखाई हैं जनपदों की, दोबारा जो रह गए थे जनपद उनमें कम मिलेगा, उसको लेकर के बहनों के सवाल आते रहते थे, तो मुझे पूर्णतया ये चीजें याद है कि चैनल बनने के बाद मिला। अब 2015-16 में तो हम चैनल शुरू नहीं किए थे, 15 में तो शायद मेरा जो है इंटर हुआ था, 12th मैंने पास किया था, उस टाइम पर तो हम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, मैं तो बाहर भी नहीं निकला था, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। अब वो भाई, उनको लगता है अगर
कि उनके वहां अगर 15-16 में मिले तो भाई मैं क्या कहूं, आप अपनी जगह सही है फिर हम क्या कहें। हम तो यहां पर दिखा रहे हैं जो ज्यादातर बहनों का कहना है। नीलम नीलम बहन है जो बलरामपुर से आती हैं। अब आप जरा सोचिए, यहां पर तो साक्ष भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, अब इससे ज्यादा मैं क्या दिखाऊं। नीलम बहन नीलम श्रीवास्तव बलरामपुर से, ये देखिए पोषण अभियान उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश जिला बलरामपुर, फोन प्राप्ति प्रपत्र भी मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें ये हमारी बहन है नीलम श्रीवास्तव, नाम भी आप देख सकते हैं यहां पर, फिर मत कहना कि ऐसे ही होगा। अब देखिए इसमें जो प्राप्ति जो सहमति प्रपत्र भी ये सब आया था, इस पर मैंने चर्चाएं भी खूब की थी जिसमें आप लिखा था बैंक यानी अगर आपका फोन चोरी हो जाए, खो जाए, टूट फूट हो जाए, कुछ हो जाएगा तो इसी फोन की कीमत के समतुल्य राशि वसूल करने के भी अधिकार प्रदान जो है आंगनबाड़ी बहनें करती हैं। इस तरह से एक ये घोषणा प्रपत्र करवा लिया गया था जिसका भी मैंने विरोध किया था और सवाल भी उठाए थे। मैंने कहा था यह बहनों के साथ गलत हो रहा है, कल को फोन चोरी हो जाए, टूट जाए, खो जाए तो बहनों के पास से पैसे वसूले जाए तो गलत है, क्योंकि विभाग ने अपने कामों के लिए फोन दिया है। अब एक तो फोन बह जाए तो ऊपर से बहने अपना पैसा जेब से खर्च करें, सब ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं भाई, कितना कुछ भी कोई संभाल करके रखे, खराब होने को खराब हो सकते हैं, टूटने को टूट सकते हैं। यहां पर लिखा है अगर मेरे द्वारा मोबाइल जमा नहीं किया जाता या टूट जाता या चोरी हो जाता या विभाग में मेरे द्वारा जो है ये सब चीजें, तो मेरे मानदेय या बैंक खाते से मोबाइल की कीमत के बराबर पैसा काट लिया जाए यानी वसूल कर लिया जाए, इसकी सहमति भरी करवाई जा रही थी जिसका मैंने विरोध किया था। अब ये देखो यहां पर लिखा है 18/1/2019, तो 18 जनवरी 2019 को देखिएगा यहां पर ये मोबाइल फोन जो है दिए गए हैं बलरामपुर में, जिसका साक्ष भी मैं दिखा दे रहा हूं। अब बताओ इससे ज्यादा और क्या समझाया जाए, जबकि मैंने उनसे कल के वीडियो में कह भी दिया था कि मुझे लगता है कि शायद बाद में मिले हो, इससे उनको समझ जाना चाहिए कि वो जो अगर 15-16 की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है, वो चीजें हजम होने वाली लोगों को नहीं है। और हमारी बहनों ने तुरंत उसको देखा और तुरंत मैसेज पर मैसेज करने स्टार्ट कर दिए कि भैया जी ऐसे अभी और मैसेज हैं जो कि हमारे ऑल इंडिया के उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दिए हैं। सबका कहना है किसी का 19 को किसी का 20 का, क्यों, क्योंकि 19 को जिनको पहली किस्त के तौर पर मिले थे यानी पहली बार जितने जनपदों में बटे थे वो 2019 में बट गए थे, और बाद में जब दूसरी बार आए जनपदों में तो वो सैमसंग वाले तब 2021 में बटे हैं, इसीलिए दो तरह से मैसेज मिले हैं 19 और 21 के। प्रेमशिला जी हैं आजमगढ़ से आती हैं, इनके वहां का देखिएगा यहां पर आजमगढ़ की बात करें तो उन्होंने कहा हमारे यहां फोन 2021 अक्टूबर में मिला था लेकिन एक साल का भीतर ही जो है खराब हो गया, और आप ही बताएं 300 का रिचार्ज फिर भी नेट नहीं चलता, हम लोग मंत्री कुछ लिखा गया है वंदन का काम कैसे करेंगे, यानी मात्र वंदना योजना का काम करने के बारे में शायद वो लिखना चाहती हूं। अब देखिए समस्याएं यहां ये है, अच्छी बात ये मुद्दे उठाने लायक है कि फोन हमें मिले, किसी किसकी सरकार में मिले ये मुद्दा नहीं है, और उसमें भी एक आ जाए कि सपा सरकार ने दे दिए थे, तो सपा ने नहीं दिए भाई, बीजेपी सरकार ने ही दिए हैं, तो इनसे ही कहा जाएगा कि आपने जो फोन दिए हैं वो कैसे दिए हैं, और ऐसे में यहां पर वो खराब हो चुके हैं, टाइम भी काफी हो चुका 2019 में जिनको मिले, और अब कहीं ना कहीं काम करना उसमें ठीक नहीं है, तो अब नए फोन दिए जाएं जिसके बारे में मांग की जानी आवश्यक है, ना कि इन मुद्दों को कि 2015 में मिले, 16 में मिले, सपा ने दिए, ये हुआ वो हुआ, वो चीजें बेकार हैं। जरूरी मुद्दा क्या है कि फोन खराब हुए हैं तो, और फोन अब एक तरह से समय के हिसाब से वो बहुत पीछे वाले फोन हो चुके हैं जो जिनमें प्रोसेसर ढंग का नहीं है, तो अब अच्छे फोन मिलने चाहिए गुणवत्ता ताकि बेहतर हो, तो अब ये भले जमा करा लिए जाएं, और साथ ही